अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ टॉपिक इज़ ट्रेकियोस्टमी। ट्रेकियोस्टमी तो पहले इस वर्ड को समझ लेना। ट्रेकियोस्टमी मतलब ये टू वर्ड्स से मिलके ये बना है, दैट इज़ ट्रेकिया जो आपके पास विंड पाइप है, एंड ऑस्टमी। ऑस्टमी क्या चीज़ है? सर्जिकल में हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑस्टमी किस चीज़ के लिए? ओपनिंग के लिए, क्रिएटिंग एन ओपनिंग। जब हम बॉडी में एक ओपनिंग बनाते हैं, एक रास्ता बनाते हैं, इसको हम कहते हैं ऑस्टमी। अब ये ऑस्टमी क्या करती है, या ये ओपनिंग स्टोमा, जिसको हम स्टोमा भी कहते हैं, ओपनिंग भी कहते हैं, ये ओपनिंग क्या करती है आपके पास? ये आपके पास इनसाइड जो बॉडी है, जिस चीज़ में भी आप ये ऑस्टमी कर रहे हो, वो कनेक्ट करता है इनसाइड एनवायरनमेंट को आउटसाइड एनवायरनमेंट के साथ। सही है। सो ऑस्टमी, ट्रेकियोस्टमी, तो ट्रेकिया में हम रास्ता बना रहे, ऑस्टमी बना रहे। ऑस्टमी, स्टोमा, होल, ये तीनों चीज़ें आपके पास एक ही चीज़ है। होल के लिए मतलब एक सुराख के लिए, या एक ओपनिंग के लिए, रास्ते के लिए, हम सर्जिकल में जो वर्ड यूज़ करते हैं सो उसको हम कहते हैं ऑस्टमी। सर्जिकल वर्ड इसके लिए, सर्जरी में हम ओपनिंग नहीं कहते, हम स्टोमा नहीं कहते, हम जस्ट वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑस्टमी। सही है। तो पहले वर्ड को समझ ले, इस नाम से ही आपको फिर सारा प्रोसीजर समझ आएगा। सही है। तो ऑस्टमी मेकिंग एन ओपनिंग या मेकिंग अ होल इन ट्रेकिया। ट्रेकिया में जब हम होल करते हैं या ट्रेकिया में जब हम ओपनिंग बनाते हैं, तो उस प्रोसीजर को हम क्या नाम देते हैं? दैट इज़ ट्रेकियोस्टमी। तो ट्रेकियोस्टमी दैट इज़ मेकिंग एन इंसिजन या मेकिंग एन ओपनिंग, मेकिंग अ स्टोमा, और आप कह सकते हैं मेकिंग अ होल इन ट्रेकिया इज कॉल्ड ट्रेकियोस्टमी। अच्छा, ट्रेकियोस्टमी की क्या डिफिनीशन है? दैट इज़ ट्रेकियोस्टमी इज़ अ होल, मतलब ओटमी, स्टोमा, मेकिंग अ होल दैट सर्जन मेक्स, जो सर्जन बनाता है थ्रू द फ्रंट ऑफ द नेक एंड इन टू द विंड पाइप। फ्रंट ऑफ नेक में, नेक के फ्रंट में सर्जन क्या करता है? सर्जन एक इंसिजन लगाता है, एक ओपनिंग लगाता है, एक ओपनिंग क्रिएट करता है, किस में? विंड पाइप में, ट्रेकिया में। तो मेकिंग एन ओपनिंग इन द ट्रेकिया इज ट्रेकियोस्टमी। अच्छा, अ ट्रेकियोस्टमी ट्यूब इज प्लेस्ड इन टू द होल टू कीप इट ओपन फॉर ब्रीथिंग। अच्छा, अब हम ये ट्रेकियोस्टमी करते किस वजह से हैं? ट्रेकियोस्टमी हम क्यों करते हैं? तो ट्रेकियोस्टमी हम इसलिए करते हैं कि हम इसमें ट्रेकियोस्टमी ट्यूब प्लेस करते हैं। ट्रेकियोस्टमी ट्यूब आपके पास क्या चीज़ है? जैसे आप नॉर्मल एनेस्थीजिया में, नॉर्मल एनेस्थीजिया में जब ईटीटी ट्यूब हम इंटर करते हैं, किस चीज़ के लिए इंटर करते हैं? ब्रीथिंग के लिए इंटर करते हैं। जब कोई सर्जरी होती है तो जब जनरल एनेस्थीजिया देते हैं तो उसमें पेशेंट खुद ब्रीथ नहीं कर सकता, तो उसमें क्या होती है? आर्टिफिशियल वेंटिलेशन होती है। किस चीज़ के ज़रिए? ट्यूब के ज़रिए। कौन से ट्यूब के ज़रिए? दैट इज़ ईटीटी ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब। हाँ, एंडोट्रेकियल ट्यूब, उसके ज़रिए आप क्या करते हैं? पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और वो आर्टिफिशियल ब्रीथिंग कर रहा होता है ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीजिया। तो अगर खैर वो आगे जाता है कि इलेक्टिव आपके पास है, एक इमरजेंसी में है, तो ब्रीथिंग के लिए जब हम ट्यूब यूज़ करते हैं, पेशेंट को ब्रीथ देने के, पेशेंट की वेंटिलेशन के लिए जब हम ट्यूब प्लेस करते हैं, उस ट्यूब को हम ट्रेकियोस्टमी ट्यूब करते हैं। अब ट्रेकियोस्टमी ट्यूब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ट्यूब हम ट्रेकियोस्टमी में प्लेस कर रहे हैं। हमने ट्रेकिया में इंसिजन लगाया, ट्रेकिया में होल क्रिएट किया, ट्रेकिया में हमने एक ओपनिंग क्रिएट की, फिर उस ओपनिंग में हमने ट्यूब प्लेस किया, उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? दैट इज़ ट्रेकियोस्टमी ट्यूब। अच्छा, द टर्म फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर टू क्रिएट दिस ओपनिंग इज़ ट्रेकियोस्टमी। ये टर्म हम यूज़ करते हैं, ट्रेकियोस्टमी हमारे पास एक टर्म है जो हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? ओपनिंग इन टू द ट्रेकिया। जब हम ट्रेकिया में ओपनिंग बनाते हैं तो हम उसको सर्जिकल में क्या नाम देते हैं? उस प्रोसीजर को हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं ट्रेकियोस्टमी। अच्छा, ट्रेकियोस्टमी, अब हम ये ओपनिंग क्यों बनाते हैं? तो कुछ हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है जो इलेक्टिव होती है, जिसको हम कहते हैं इलेक्टिव ट्रेकियोस्टमी। मतलब इलेक्टिव का मतलब है दैट इज़ प्री प्लैंड। मैंने आपको बताया था क्लास में सर्जरीज में कि एक हमारे पास इलेक्टिव सर्जरी होती है और एक हमारे पास इमरजेंसी सर्जरी होती है। इमरजेंसी में हम वो काम करते हैं जो सर्जन पे डिसीजन डिपेंड करता है कि अब सर्जन क्या करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें पेशेंट उस कंडीशन में नहीं होता कि वो अपना फैसला खुद कर सके। इलेक्टिव में ये होता है कि जिसमें पेशेंट आपको कहता है कि मुझे क्या क्या इस सर्जरी में चाहिए, क्या क्या मुझे नहीं चाहिए, मतलब ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मेकिंग डिसीजन, फॉर द डिसीजन वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब ये ट्रेकियोस्टमी जो हम बनाते हैं, तो ये हम दो केसेस में बनाते हैं, या तो हम इमरजेंसी केसेस में, अब हम इतना बड़ा कट, मतलब छोटा सा कट लगाते हैं, लेकिन इट इज़ अ सर्जरी
जब भी बॉडी में इंसर्शन लगता है तो दैट इज़ अ सर्जरी, प्रोसीजर तो है ना। तो अगर हम एक प्रोसीजर कर रहे हैं सर्जिकल प्रोसीजर, तो उसका कोई मेन रीज़न तो होना चाहिए ना। अच्छा, हम ट्रेकियोस्टोमी क्यों करते हैं? वैसे तो हमारे पास नॉर्मल माउथ के ज़रिए, नोज के ज़रिए हम ब्रीथ कर सकते हैं। ये इंसर्शन लगाने की, फिर इसमें ट्यूब प्लेस करने की, कितना पेनफुल प्रोसीजर होता है। मतलब आप कट लगा रहे हो गले में, नेक में, आप फ्रंट में कट लगा रहे हो, फिर आप जा रहे हो नीचे से मसल्स को स्प्लिट कर रहे हो। कभी कभी आप थायराइड ग्लैंड की एनाटॉमी आपने पढ़ी होगी, तो सामने ट्रेकिया के सामने आपका क्या पड़ा है, नेक में, लोअर नेक में आपका थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है, और उसमें स्टमक जो फ्रंट पार्ट है आप उस पर भी कट लगाते हो। तो ये मतलब काफ़ी कुछ आप अंदर कर रहे हो, नॉर्मल एनाटॉमी को आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो। तो इसका रीज़न क्या है कि हम ये करते हैं? तो इसके लिए रीज़न भी, देयर शुड बी अ बिग रीज़न कि हम इतना कर रहे हैं, कि हम इंसिजन लगा रहे हो। तो रीज़न इसके ये होता है कि When the patient is unable to breathe, कोई इस तरह मसला आ जाता है कि patient breathe नहीं कर सकता, वो सांस नहीं ले सकता, ना ET tube के साथ जो हम mouth के ज़रिए enter करते हैं। Anesthesia में हम ET tube insert करते हैं, लेकिन mouth के ज़रिए insert करते आते हैं कहाँ तक, up to the trachea हम जाते हैं, और उसके साथ फिर हम pipe connect करते हैं, और फिर oxygenation और वो सारा सब कुछ होता है, ventilation होती है। लेकिन जब ET ट्यूब का इंट्यूबेशन भी हमारे पास फेल हो जाए, मतलब अब इंट्यूबेशन भी नहीं हो सकती, तो फिर उस कंडीशन में हम किस तरफ जाते हैं? फिर हम इस प्रोसीजर की तरफ जाते हैं। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है, क्योंकि इसमें आप स्कैल्पल यूज़ करते हो, स्कैल्पल यूज़ करते हो, इंसिजन लगाते हो, तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास सर्जरी होती है। तो जब हमारे पास, हम ट्रेकियोस्टोमी क्यों करते हैं कि जब हमारे पास ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो, बंदा सांस ना ले सकता हो, तो उस कंडीशन में हम फिर ट्रेकियोस्टोमी करते हैं। अब कुछ कंडीशंस इलेक्टिव है, जो हम मतलब खुद सर्जन अपनी मर्जी से करता है कि हाँ मुझे ये ट्यूब प्लेस करना है। कुछ जो है इमरजेंसी केसेस होती है। अब इमरजेंसी कौन सी केसेस है जिसमें हम ट्रेकियोस्टोमी करते हैं, और इलेक्टिव क्या है, कौन सी केसेस है? इलेक्टिव ट्रेकियोस्टोमी आपके पास प्रोसीजर है दैट इज़ फ्रीक्वेंटली कैरीड आउट इन इंटेंसिव केयर यूनिट। ये जो इलेक्टिव ट्रेकियोस्टोमी है, ये हम मोस्टली कहाँ करते हैं? ये हम ICU में करते हैं। किस लिए करते हैं? कि हम ट्रेकियल इंट्यूबेशन से जो कॉम्प्लिकेशन है उसको अवॉइड करना चाहते हैं। अच्छा, क्या होता है, कुछ हमारे पास क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, क्रिटिकली इल पेशेंट्स होते हैं। इस तरह पेशेंट्स होते हैं कि उनमें वेंटिलेशन बहुत देर तक जारी रहती है, मतलब वो खुद ब्रीथ नहीं कर सकते, कुछ लंग्स प्रॉब्लम है। मतलब आपने निमोनेक्टोमी कर ली, जिसमें हम लंग्स को रिमूव कर दिया, कुछ पार्ट ऑफ वेजेक्टोमी करते हैं जिसमें हम वेज पार्ट ऑफ द लंग्स रिमूव करते हैं, या इस तरह की कोई भी पैथोलॉजी हो गई, कोई सिवियर पैथोलॉजी है जिसकी वजह से पेशेंट को लॉन्ग टर्म पे आपको वेंटिलेशन पे रखना है। मतलब लॉन्ग टर्म पे वो मतलब इतना कर ले कि मंथ्स जो है वो उसको क्या करना है, आपने वेंटिलेटर पे रखना है। तो उसमें फिर आप ET ट्यूब या ट्रेकियल इंट्यूबेशन जो है वो इतनी देर तक आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो फिर आप एक परमानेंट, मतलब इस तरह आप एक एयरवे क्रिएट करते हैं कि वो लॉन्ग टर्म पे आपके पास चले, एक्सटेंडेड वेंटिलेशन। देखिए इसमें लिखा है इन पेशेंट दैट रिक्वायर्ड एक्सटेंडेड मैकेनिकल वेंटिलेशन, ऐसे पेशेंट जिसमें बहुत देर तक, एक्सटेंडेड मतलब काफ़ी हद तक आपको मैकेनिकल आर्टिफिशियल वेंटिलेशन की ज़रूरत हो, पेशेंट खुद ब्रीथ ना कर सकता हो, तो उन केसेस में हम क्या करते हो? ये किस में होता है? ये क्रिटिकली इल पेशेंट में होता है। क्रिटिकली इल पेशेंट्स आपके पास कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किस जगह पे होते हैं? वो आपके पास ICU में होते हैं। तो ICU में जो क्रिटिकली इल पेशेंट हैं, जिनमें बहुत देर तक हमें आर्टिफिशियल वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है, तो फिर उनमें हम ट्रेकियल इंट्यूबेशन नहीं करते, उनमें हम फिर कौन सी इंट्यूबेशन करते हैं? फिर हम ट्रेकियोस्टोमी करते हैं। हम ट्रेकिया में इंसिजन लगाते हैं, और इंसिजन के अंदर हम ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब इंसर्ट करते हैं। ये आपके पास क्या चीज़ है? ये आपके पास ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है। तो हम ट्रेकियोटमी करते हैं, इंसिजन लगाते हैं, और फिर ट्रेकिया में ये ट्यूब इंसर्ट करते हैं। ये प्रोसीजर मान लिया आपके पास कहाँ होता है? OT में। अच्छा, ट्रेकियोस्टोमी, इलेक्टिव ट्रेकियोस्टोमी हम इंटेंसिव केयर यूनिट में भी करते हैं, इसके अलावा हम OT में भी करते हैं। OT में किस तरह हम करते हैं कि OT में अब अगर कोई प्रोसीजर है जिसमें हमारे पास ET ट्यूब इंट्यूबेशन में हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब माउथ में कोई इंजरी है या कुछ इस तरह का मसला है कि हम ET ट्यूब के ज़रिए वेंटिलेशन नहीं कर सकते और हम सर्जरी कर रहे हैं, तो हमें सर्जरी करते वक्त दौरान तो हमें एनेस्थीसिया चाहिए होता है, हमें वेंटिलेशन चाहिए होती है। तो फिर उसमें क्या करते हैं, सर्जन पहले जो है वो ट्रेकियोस्टोमी कर देता है, ट्रेकियोस्टोमी करता है, ET ट्यूब प्लेस करता है, वो ट्यूबिंग अटैच करता है, देन वो जाता है अपने प्रोसीजर की तरफ जो मेन उसका प्रोसीजर होता है। सही है। तो ये प्रोसीजर आपके पास OT में भी होता है और आपके पास ICU में भी होता है, इलेक्टिव ट्रेकियोस्टोमी।
अच्छा फिर हमारे पास कुछ है इमरजेंसी ट्रेकियोस्टोमी जो हमें इमरजेंसी में करनी पड़ती है। इमरजेंसी ट्रेकियोस्टोमी को हम अर्जेंट ट्रेकियोस्टोमी भी करते हैं। अच्छा अब ये अर्जेंट ट्रेकियोस्टोमी जो है ये आपके पास लाइफ सेविंग प्रोसीजर है किन पेशेंट्स के लिए, विद एक्यूट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन और विद डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन। अब कोई बंदा है वो अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया है या उसका गले में कुछ इस तरह फंस गया है, अचानक से वो सांस आपने कुछ देखा है कि वो कुछ खा रहा है और अचानक उसके गले में फंस गया और ना वो निगल रहा है ना वो उगल रहा है, वो फंस गया गले में उसका फंस गया। अब आपको पता है कि 5-6 मिनट से ज़्यादा अगर सांस बंद हो जाए तो बंदा मर जाता है, सही है। तो इस केस में अब आप हॉस्पिटल में नहीं हो, मतलब आप हॉस्पिटल में नहीं हो कि आपके पास सही फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कि आप अच्छे तरीके से उसको फिर सही प्रोसीजर करो, स्क्रब कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो इस कंडीशन में जो फर्स्ट एड हम देते हैं, ये ट्रेकियोस्टोमी आपके पास एक फ़र्स्ट एड का भी प्रोसीजर है। इमरजेंसी केसेस में जब आप देखें इस ट्रेकियोस्टोमी प्रोसीजर को तो ये आपके पास एक फ़र्स्ट एड है। फर्स्ट एड है मतलब कोई बंदा उसके गले में कुछ फंस गया अचानक से तो अब आप क्या करोगे, उसको वेंटिलेट करना किस तरह करोगे, तो क्या करना है तो उसमें हम ये कर सकते हैं, ट्रेकियोस्टोमी कर सकते हैं। कोई भी आपने अक्सर इस तरह होता है मूवीज़ में आपने देखा होगा इस तरह कुछ कि वो गले में कुछ फंस जाता है, बंदा कांसने लगता है, उसकी सांस बंद होने लगती है, तो क्या करता है वो चूरी ले लेता है, मतलब किचन में या कुछ भी मिल जाता है, कोई कार्ड्स लेता है, चेस्ट कार्ड जो होते हैं आपके पास, कार्ड्स ले लेता है और उससे क्या करता है ट्रेकिया पे इंसिजन लगाता है और ये जो आपके पास कोई भी चीज़ होती है इस तरह उसको क्या कहते हैं कोई ट्यूब होती है तो उससे आप उसको सक कर लेते हो, जो आपके पास फ्लूइड गया होता है ट्रेकिया में उसको सक कर लेते हो, उसके ज़रिए आप क्या करते हो उसको माउथ के ज़रिए वेंटिलेट करते हो, सही है। तो ये आपके पास लाइफ सेविंग प्रोसीजर है किस में, जब एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया हो, एयरवे आपके पास अचानक से बिल्कुल बंद हो जाए या आप इंट्यूबेट ना कर सकते हो, जब आप चाहते भी हो कि मैं इसको ईटीटी ट्यूब पास कर लूँ इमरजेंसी सिचुएशन में भी, लेकिन माउथ में इस तरह का कुछ फंस गया है कि वो आप उसको इंट्यूबेट भी नहीं कर सकते। अच्छा और क्या क्या हो सकता है, सिवियर हेड और नेक इंजरी, कोई एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसका हेड सिवियरली इंजर हो गया या नेक में कोई इंजरी आ गई है। अब नेक में जब इंजरी आ गई है तो मैंने आपको कहा था कि जब भी सर्वाइकल कोई हमारे पास हमें इस तरह की कोई सिचुएशन लगे कि इसके नेक में सर्वाइकल वर्टिब्रे या इस तरह स्पाइनल कॉर्ड को कोई इंजरी के चांसेस है तो तब हम पेशेंट्स को बिल्कुल भी नहीं हिलाते जब तक मतलब कोई प्रोफेशनल बंदा ना आ जाए, उसको नेक सपोर्ट ना दे दे, स्पाइनल सपोर्ट ना दे दे, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करे कहाँ तक, ओटी तक। तो उससे पहले जो अनप्रोफेशनल बंदे हैं तो उनको चाहिए कि वो फर्स्ट एड में उनको बिल्कुल भी मूव ना करे। तो जब आप मूव नहीं करोगे तो क्या करोगे इस कंडीशन में, आप मतलब उसको अब एयरवे की भी ज़रूरत है और आपको लग रहा है कि इसके हेड में या नेक में कोई इंजरी है तो आप उसको मूव भी नहीं कर सकते हो, तो उन केसेस में आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट ट्रेकियोस्टोमी पे जा सकते हो। अच्छा है अनस्टेबल सर्वाइकल स्पाइन इंजरी, सर्वाइकल स्पाइन इंजरी है तो आप उसको मूव नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करोगे एयरवे कैसे इस्टेब्लिश करोगे, तो देन यू कैन गो टूवर्ड्स द ट्रेकियोस्टोमी, इस प्रोसीजर की तरफ आप जा सकते हो। एक्यूट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन अचानक से जब आपके पास एयरवे बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाए, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, तो उसमें आप क्या कर सकते हो ट्रेकियोस्टोमी कर सकते हो। अच्छा ट्रेकियोस्टोमी पे एक वीडियो है, छोटी सी एनिमेशन है, ये आप देख ले तो इससे आपको समझ आ जाएगी। पेशेंट के हेड को आप एक्सटेंड करोगे देन आप लगाओगे उस पर क्या, वर्टिकल इंसिजन लगाओगे स्किन पे वर्टिकल इंसिजन। ये इलेक्टिव केस है, इलेक्टिव केस जिसमें आपके पास सब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंट है, देन आप क्या करोगे उसको रिट्रैक्ट करोगे, देन दिस इज कॉटरी के जरिए जो आपके पास कोगुलेशन और कटिंग दोनों करता है, आपने सबक्यूटेनियस सुपरफिशियल फेशिया है फेट से उसको आपने कट कर दिया, देन आपके पास मसल्स आ जाते हैं नेक के मसल्स, उनको आपने स्प्लिट कर दिया, सही है, फिर आपने उनको भी रिट्रैक्ट कर दिया, देन आपके पास ये क्या चीज़ है, दिस इज़ ये जो अब कट लगा रहे हैं थायरॉयड ग्लैंड की, आपने एनाटॉमी पढ़ी होगी कि थायरॉयड ग्लैंड के हमारे पास दो लोब्स होते हैं, राइट लोब लेफ्ट लोब, जो ट्रेकिया के आइदर साइड पे प्रेजेंट होता है, और उनके सामने जो है एक पार्ट होता है थायरॉयड ग्लैंड का जो राइट और लेफ्ट थायरॉयड ग्लैंड को एड करता है, एक दूसरे के साथ मिलाता है, वो जो फ्रंट पार्ट है थायरॉयड ग्लैंड का जो राइट और लेफ्ट थायरॉयड लोब को मिलाता है वो सामने होता है, किस चीज़ के ट्रेकिया के सामने होता है, फिर एक साइड पे राइट लोब एक साइड पे लेफ्ट लोब, जो फ्रंट पार्ट है थायरॉयड ग्लैंड का इसको हम क्या कहते हैं इस्थमस कहते हैं, इस पार्ट को हम इस्थमस कहते हैं। तो जब हम ट्रेकियोस्टोमी करते हैं तो या तो हम इस्थमस पार्ट को रिट्रैक्ट करते हैं अपवर्ड
अपवर्ड उसको रिट्रैक्ट करते हैं, उस पर कट नहीं लगाते। लेकिन कुछ केसेस में इस तरह होता है कि हम उस पर भी कट लगा देते हैं। अब इस केस में क्या कर रहा है, ये इस्थमस पे भी कट लगा रहा है, सही है, इस्थमस पे भी कट लगा दिया, उसको भी अब ये लोग रिट्रैक्ट कर लेंगे। इस्थमस को भी रिट्रैक्ट कर लिया थायराइड ग्लैंड के, और थायराइड ग्लैंड को अब क्या कर रहे हैं, आपके पास ट्रेकिया विजिबल हो गए। तो ट्रेकिया में हम क्या कर रहे हैं, उस रिंग्स के बीच में जो आपके पास थायराइड रिंग्स होते हैं उनके बीच में हमने हॉरिजेंटल इंसिजन लगा दिया, और ये हमने क्या प्लेस कर दिया, ये हमने ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब प्लेस कर दिया, जो कहाँ पे जा रहा है, आपके आपके ट्रेकिया के अंदर जा रहा है। ये पीछे कौन सी जगह है, दैट इज एसोफेगस, सामने क्या है, ट्रेकिया है। तो ट्रेकिया के अंदर आपने क्या कर दिया, इस ट्यूब को प्लेस कर दिया। अब इस ट्यूब के साथ हम क्या अटैच करेंगे, वेंटिलेशन के लिए हम ट्यूब जो एनेस्थीसिया मशीन के साथ है वो अटैच करेंगे, या हम इमरजेंसी कंडीशन है, बाहर है आप किसी बाहर के एनवायरनमेंट में है, ओटी या आईसीयू नहीं है, तो उसमें आप क्या करोगे, इमरजेंसी केस में आपके पास एमओ बैग होता है, तो आप एमओ बैग इसके साथ अटैच करोगे और फिर आप उसको पंप करोगे, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करोगे, अनटिल एंड अनलेस क्या कि जब आपके पास वो आ जाए, कोई हेल्पर आ जाए या हॉस्पिटल आप उसको ले जाओ, देन फिर वो फर्दर प्रोसीजर कैरी आउट करेंगे। लेकिन अगर ओटी में कर रहे हो तो इसके साथ फिर एनेस्थीसिया मशीन की ट्यूबिंग अटैच कर देते हैं और वो फिर इनको वेंटिलेट करते हैं। आपके पास छोटा सा प्रोसीजर है जो होता है इमरजेंसी केसेस में भी, और इलेक्टिवली भी हम इनको परफॉर्म करते हैं, सही है। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप पूछ लीजिएगा, सही है। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक।